देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को जबरदस्त झटका उस समय लगा जब अधिकारियों के द्वारा बिना होमवर्क किए ही व्यापारियों की दुकान पर उनके यहाँ रखे पॉलीथीन सीज करने की प्रक्रिया अपनाई गई, तो मौजूद सभी अधिकारियों की उस समय फजीहत हो गई क्योंकि उन लोगों को खुद जानकारी नहीं थी आखिरकार मानक क्या है। महोली तहसीलदार अभिमन्यु वर्मा की अगुवाई में आज भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रतिबंधित पॉलीथीन को जब्त करने के लिए महोली कस्बे में कार्रवाई हुई। इस दौरान व्यापारियों का जबरदस्त विरोध अधिकारियों को सहना पड़ा। व्यापारियों का आरोप है कि जब मानक खुद अधिकारियों को नहीं पता है तो वे किस आधार पर हमारी दुकानों की पॉलीथीन जब्त कर रहे हैं। व्यापारियों ने इसे हिटलर की संज्ञा बाहर सभी प्रकार की ये पन्नियां थोड़ी ना प्रतिबंधित है, पतली वाली मोटी वाली पन्नियां थोड़ी ना प्रतिबंधित है, पतली वाली पन्नियां ये ऐसे थोड़ी ना होता है। ठीक है, शासन है, ठीक है, जो बात आप कहेंगे हम मानेंगे, ऐसे थोड़ी ना उठा ले जाएंगे। आप जो कह रहे हैं पूछ रहे हैं अभद्रता की गई, मेरी जानकारी में आया, मैं तुरंत मौके घटनास्थल तक पहुंचा, जहां पे व्यापारियों ने बताया कि नगर पंचायत के कर्मचारियों द्वारा जबरदस्ती जो कि प्रतिबंधित पॉलीथीन नहीं है और उसको वो जबरदस्ती अपनी गाड़ी में लाद रहे थे। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे इस मीडिया के माध्यम से कि जो पॉलीथीन 51 माइक्रोन वाली है, इसका अभी तक यहाँ पे स्थानीय स्तर पे किसी को भी ना ही उसका होमवर्क किया कर्मचारियों ने, ना ही कुछ किया, उनको खुद नहीं पता है कि कौन सी 51 ग्रेड की है, कौन सी क्या है, और उसके बावजूद व्यापारियों पे दबाव बना रहे हैं। जबकि बाजार में आज हम भी कुछ देर रहे साथ में, किसी की बात एक भी पॉलीथीन नहीं निकली। हाँ, पैकिंग और जिसकी पकड़ी है उस किसी के पास एक झिल्ली निकली, जो किसी ना किसी माध्यम से किसी